ये क्या है, पानी से क्या चलती है? ये नहर है और इस पानी से चक्की चलती है। अच्छा, ये जी चक्की आप देख सकते हैं, ये पंजे लग रहा है। हाँ, पंजे सारे शहर के। वाला त्रिडा हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे जा रहे हैं हम भाभी? हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ पे सहेली, और वहाँ पे हमने जाके थोड़ा सा नहाना नहूना है। बड़ा ही बेहतरीन वहाँ पे प्लेस है, आपको दिखाते हैं। स्टे विद अस, और हमारे साथ मौजूद है आज जनाब हम न्यूज़ के बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर, हाँ जी मलिक फारूक साहब। कैसे हैं मलिक साहब? तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? हाँ, वो तो आप पिंकी पिंक हो गए। तो जी ये लंपक लगा हुआ माशाल्लाह, और ये छोटे बच्चों के साथ हम जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अरे ये देख गालियां, रुक ना इधर, समझ तो कर। आज के हमें जो गाइड कर रहे हैं वही हैं जी सैयद बाकर साहब। चलो जी, चलो चलो लाइन बनाओ, टिक टिक टाओ लाइन बनाओ। कहने कहने जाने सहेली सहेली सहेली। हाँ हुसैन अली को यार, उसको तो बुलाओ, वो तो स्पेशल आना चाहता था यार। याद देखे, वाह जी वाह, तो तोते शोते फुल टाइम वाले हैं भाई। ये देखिए ये छोटी छोटी गलियां बनी हुई है, इतनी खूबसूरत, मतलब एक किस्म की ना ये पत्थरों की, और इनमें ये सब निजाम लगा हुआ है। यही आपको दिखा रहा था कि कितनी प्यारी प्लेस है। ओ हुसैन अली किधर गया? अच्छा, तो ये आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये वीड नहीं है, ये भंग है। मतलब आप समझे कि यार ये वीड वीड लगी हुई यहाँ पे, ये है भंग। ये आ गया हुसैन अली, आ जा यार, चलो चलो चलो, गुजर जाओ गुजर जाओ। ठीक है, वहाँ पे हमने नहाना है, हमने फिशिंग करनी है, आपको फिशिंग भी दिखाएंगे करते हुए, और आपको पहले नज़ारा दिखाते हैं। ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये पहाड़ वगैरह, और ये हम जा रहे हैं जी सुकून से। ये पत्थर वगैरह हैं सारे यहाँ पे, यहाँ से ख्याल से जाना पड़ेगा। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, क्या ये कांटे हैं? हाँ हुसैन अली जरा बताना, ये क्या है, पानी से क्या चलती है? ये नहर है और इस पानी से चक्की चलती है। अच्छा अच्छा, तो क्या ये चक्की है? चक्की, ये चक्की है। ओके चलो देखते हैं, इसके अंदर चक्की है। ये बंद हो गई या चल रही है? चलो देखते हैं देखते हैं, बंद है या चक्की खुली है, अभी दिखाते हैं आपको। स्टे विद अस। ये देखें जी, फाइनली हमें ये चलती है ना, ये मुझे बना लेने दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी चक्की आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह आटा निकल रहा है यार, बड़ा प्यारा निजाम है। चलो आपको दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत निजाम है यहाँ पे। साहबजादा सुल्तान वो कर लेगा, ओ भाई कर लेगा, ओ भाई वो कर लेगा, ये नहीं कि वो हर ट्रैक पे कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो कर लेगा, उसके पास गाड़ियाँ खड़ी हैं इस तरह के ट्रैक वाली। हाँ ठीक है चलो, अभी तक चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। क्यों? ओ शेरी हाँ जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से जमीन कटी हुई है, ये यहाँ तक, वो पीछे तक हमारी जमीन थी, और ये यहाँ तक बस करीब आ गए। हसन यहाँ पर शहर का बंजर भी है, यहाँ पे क्या है शहर का
पंजा। चलो ये है जी ज़ियारत और यहाँ पे शेर का पंजा है, वो कह रहे हैं कि आपको दिखाते हैं, देखते हैं जी कौन सा शेर है जिसका पंजा यहाँ पे। वाकई हाँ सारे शेर के ये ऊपर लगा हुआ है, एक ही नीचे दरमियान में लगा हुआ है जहाँ पे भाई भाई खुला है। अच्छा अच्छा हाँ ये लगे हुए हैं। मलिक साहब क्रॉस करो, ये मनीषों का ख्याल रखना हमारे। बाहर के पास जगह थी जाने की, उधर ऊपर से हम छलांग मारते थे नीचे। अच्छा हमारा कजन छलांग मारता स्लैब को उसका बाल उठ गया बिल्कुल नीचे पत्थर में लगा। उसके बाद उसकी जो लाई थी ना वो चल के जगह आ गई थी, पत्थर टूट गया पत्थर पे लगा। फिर उसके बाद नहीं नहाए वहां पे, उसके बाद फिर वो ये रेन ही खत्म हो गई। फिर आगे पीछे पानी तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब देखेंगे नहाएंगे एंजॉय करेंगे, बाकी ये है कि आपने कहीं जाना नहीं। स्टे विद अस, अभी और भी नज़ारे बहुत दिखाने वाला हूँ आपको, स्टे विद अस। ठीक है भारत हॉलीडे के लिए वैसे होता पाक ही है, जो मर्जी कर लो होता पाक है, बंदे के दिल नहीं करता पीने को। हाँ जी तो नजारा तके तुस बाकी तकते रहो बसते रहो खुश रहो मरी ना जिंदगी की खैर होगी। अभी हम यहाँ में मच्छी पकड़ने लगे हैं और ट्राई कर रहे हैं, पत्थरों के नीचे मच्छियाँ होती हैं और पत्थरों के नीचे हाथ वगैरह डाल डूल के चेक करते हैं कि भाई मच्छी हमें मिलती कि नहीं। जैसे मच्छी मिलेगी, क्योंकि पानी है थोड़ा सा पथरीला पानी है, मोबाइल ना गिर जाए और नुकसान ना हो जाए, इसलिए मोबाइल के साथ फुटेज नहीं बना रहे। जैसे मछली पकड़ी जाएगी आपको फुटेज दिखाएंगे, आप देखते रहिए स्टे विद अस। यार हमने बड़ी ट्राई की है मछली पकड़ने की लेकिन हमें कोई मछली मिली नहीं। खैर दो तीन मछलियाँ हमारे हाथ से स्लिप हो के आगे गुजर गई हैं, नहीं क्योंकि हैं सारे पत्थर थे कोई मछली नहीं मिली ना, लेकिन थी मछली लेकिन हमसे पकड़ी नहीं गई क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था यहाँ पे। और ये तो प्रोफेशनल पकड़ने वाले लिए गए, इनसे भी नहीं पकड़ी गई ये मछली। ये सुना कभी आपने? हम यहाँ पे फिलहाल रेस्ट करने के लिए आगे क्योंकि यहाँ पे सुकून मुहैया था इस दरख्त के नीचे। मैंने कहा यहाँ बैठ के थोड़ी स्नैप वगैरह बनाते हैं। उसके बाद यह है कि अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। उम्मीद है कि अभी और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्लेसेस मैं आपको दिखाऊंगा। ये डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये अगर मैं इकट्ठा व्लॉग बनाता तो ये बहुत लॉन्ग व्लॉग होता और ज़ाहिर सी बात है तकरीबन एक घंटे का व्लॉग हो जाता जितना हम टूर करेंगे। तो इसलिए मैं जिस लोकेशन पर जा रहा हूँ उस लोकेशन का मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।